वेन डायग्राम, ये हमारे क्लास 11 का चैप्टर 1 का चैप्टर 1 सेट्स जो है उसमें एक टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। मतलब वेन डायग्राम से क्वेश्चन को सिंपलीफाई करना बहुत इजी आपको लगेगा जब चैप्टर पढ़ जाएगा तो। और वेन डायग्राम से पहले मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि व्हाट आर द क्लास इंटरवल्स, यानी क्लास इंटरवल्स क्या होता है, ये बात हमने बताई थी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आई होगी। तो वेन डायग्राम क्या होता है कि मान लो कि हमारे पास एक सेट ए है जिसमें कि एलिमेंट 1, 2, 3 मान लिए हमने, और एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट मैंने मान लिया कि 2, 3 है, 2, 3 और 4 मान लिए, ठीक है। और एक यूनिवर्सल सेट है हमारे पास, एक यूनिवर्सल सेट पढ़ाया था आपको, एक ऐसा सेट जिससे कि कुछ सेट ड्राइव्ड होते हैं, तो उन ड्राइव्ड सेट्स के लिए वो सेट जो है एक यूनिवर्सल सेट हुआ करता है। तो यहां मैंने लिखा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक चलो लिख लिया। तो अब इसको वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो यूनिवर्सल सेट के लिए जब भी हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो हम रेक्टेंगल बनाएंगे, और ये यू यहां लिख लिया, मतलब यूनिवर्सल सेट हुआ ये। अब देखो कि सेट ए और बी, सेट ए इस तरीके से ये सर्कल बना लिया, और सेट बी हमने बना लिया इस तरीके से सर्कल ये बना लिया, ठीक है। अब सेट ए ये मान लिया और बी इसको सपोज कर लिया। हम देखें कि 2 और 3 दोनों में है, तो इतना पार्ट दोनों में आता है, तो ये 2 और 3 हो गया, 1 यहाँ आ गया और 4 यहाँ आ गया, और 2 एलिमेंट अभी भी किसी में नहीं आए तो वो इस स्पेस में आ गए। तो वेन डायग्राम बेसिकली क्या होता है कि द डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट्स इज सेड टू बी वेन डायग्राम, यानी कि किसी भी जो सेट हमें गिवन है उनको अगर हमने डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया तो उसको हम क्या कहते हैं, वेन डायग्राम कहा करते हैं। एक और ले लिया कि मान लो कि ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट 1, 2, 3 ले लिए, बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट मैंने क्या मान लिए, 2 मान लिया। तो अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाते हैं तो क्या बनेगा, 1, 2, 3 ये आ गया, तो ये ए हो गया। अब देखो 2 इसके अंदर आ रहा है तो बी मैंने यहां पर मान लिया और 2 यहां लिख दिया, क्यों, क्योंकि बी में जो एलिमेंट है वो ए में है और ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है, तो ए के कौन से 2 एलिमेंट्स बच गए, 1 और 3 बच गया, वो यहां आ गया और इसको हमने लिख दिया ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। एक और देखते हैं कि मान लो कि ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट 1, 2 है, और बी एक सेट ले लिया हमने, उसमें एलिमेंट हमने क्या लिख लिया कि लिख लिया 3 लिख लिया और 4 लिख लिया। तो इसका अगर हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो वो किस तरीके से बनेगा, रेक्टेंगल ही बनाते हैं, स्क्वायर नहीं बनाते हैं। ये एक सेट हो गया और दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है तो दोनों को अलग अलग बना दिया, तो ये ए आ गया और ये बी हो गया, इसमें 1, 2 एलिमेंट्स हैं और इसमें 3 और 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वेन डायग्राम बनाया जाता है। इस तरीके के सेट को हम क्या कहते हैं, जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो उसको हम डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं, जो कि अभी आगे पढ़ाएंगे, डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। नो एनी एलिमेंट इज कॉमन इज सेड टू बी डिसजॉइंट सेट कहते हैं इसको। आगे देखते हैं भाई, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसमें, वो क्या है कि ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो क्या होता है जानते हैं, पूरा चैप्टर आगे का इन्हीं ऑपरेशंस पर बेस्ड होगा। तो हमने लिखा यहां ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ऑन लिखा हुआ है, मतलब सेट में हम किस तरीके से ऑपरेशन करेंगे। तो हमने पहले लिखा कि यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ
यूनियन का ये सिंबल होता है यू जैसा, ठीक है, ये यूनियन का सिंबल है। तो इसको हम पढ़ेंगे, क्या अगर ये कहीं पर लिखा हुआ है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो यूनियन ऑफ स्टेट्स क्या होता है कि मान लो कि एक सेट है जिसमें एलिमेंट, फिर मैंने 1, 2, 3, 4 मान लिए, और बी एक दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट मैंने मान लिए कि 4, 5, 6। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, इसको क्या आप रीड आउट करेंगे, ए यूनियन बी, इसको पढ़ेंगे ए यूनियन बी, ठीक है। तो ये ए यूनियन बी होगा क्या, मतलब वो एलिमेंट्स होंगे जो या तो इस सेट में है या फिर इस सेट में है, ठीक है, और जो कॉमन होंगे उनको हम एक बार लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन द सेट ए और इन द सेट बी। क्या कह रहा हूं मैं कि ए एंड बी, यानी ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और इन बी, ठीक है। लिख देते हैं इसको कि ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और इन बी, ठीक है। इसको हम एक और उससे पढ़ते हैं कि ए और बी, ए और बी भी हम इसको पढ़ते हैं। अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स एक्स इज सच दैट एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। अच्छे से देख लो, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स, एक्स वो एलिमेंट्स है जो या तो ए को बिलोंग करता है या फिर बी को बिलोंग करता है, उसको हम क्या कहेंगे, ए यूनियन बी कहेंगे। अगर मैं इसका बेन डायग्राम बनाऊं तो क्या बनेगा इसका बेन डायग्राम कि ए तो ये बना लिया और बी ये बना लिया, तो ये ए हुआ और ये बी हुआ। अब इसको अगर मैं साइड जितना पार्ट कर दूंगा वो क्या होगा, ए यूनियन बी होगा, ठीक है। अब क्या है कि प्रॉपर्टीज ऑफ द सेट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, मतलब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए के इक्वल होता है, इसको हम क्या कहते हैं कि कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी, कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरा हमने लिखा कि ए यूनियन बी यूनियन ऑफ सी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन ऑफ सी, तो ये क्या बेटा हो सकता है, इसको क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। फिर एक और देखा कि ए यूनियन फाई, फाई क्या होता है, ध्यान होगा मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था आपको, ए यूनियन फाई ए के इक्वल होता है, क्यों होता है कि फाई इज द नल सेट, फाई इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। फिर हमने लिखी एक और प्रॉपर्टी कि ए यूनियन ए दिस इज आल्सो इक्वल टू ए के बराबर होगा। फिर एक और प्रॉपर्टी लिख दी कि ए यूनियन ऑफ यूनिवर्सल सेट, ये यूनियन का साइन, ये यूनिवर्सल सेट का साइन, तो अब ये इसमें क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है। फिर से रीड आउट कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द यूनियन ऑफ सेट, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए
ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन ऑफ सी, ए यूनियन फाइव इज इक्वल टू ए, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, और ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, और आगे देखते हैं। इसमें अब एक और ऑपरेशन बताएंगे, उसको कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। उल्टा यू जैसा दिखाई देता है ये, उल्टा यू। अच्छा अच्छा यू उल्टा बनेगा। इसको और हम क्या कह सकते हैं कि ए एंड बी बोलते हैं, ए एंड बी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अब हमने लिखा कि ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ये होता क्या है, पहले जानो इसका एक्सप्लेनेशन। मान लो 1 2 3 एक सेट में एलिमेंट ले लिए और बी में लिख लिए 3 4, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, दिस विल बी इक्वल टू वो एलिमेंट जो कि दोनों सेट्स में है, उसको हम इंटरसेक्शन कहेंगे। तो ये क्या लिखा मैंने, ए इंटर, इसको क्या रीड आउट करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम रीड आउट करेंगे, या फिर ए एंड बी। तो इसकी फिर डेफिनेशन क्या बनती है इस रिलेशन से, कि ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट विच आर इन सेट ए एज वेल एज इन सेट बी, मतलब वो एलिमेंट जो कि दोनों सेट्स में होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। या एक सिंपल सी डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट विच आर कंटेंड इन सेट ए एंड इन सेट बी। ठीक है, तो डेफिनेशन इसकी लिख देते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, या ऐसे लिख देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच कंटेन्स इन ए एंड इन बी। ठीक है, पीछे वाले ए यूनियन बी में ए और बी थी, यहाँ क्या है, इन ए एंड इन बी, मतलब ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए। इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो क्या हो सकता है, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, यहाँ कॉमा वामा नहीं आएगा, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब ऐसा सेट है ए इंटरसेक्शन बी जो कि ए में भी होता है और बी में भी होता है। ठीक है, तो इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसका अगर हम वेन डायग्राम बनाए तो वेन डायग्राम क्या होगा इसका, ये यहाँ बन गया, ए आ गया, बी आ गया, ये जो शेडेड पार्ट है इसको हम ए इंटरसेक्शन बी कहेंगे। आप इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज जानते हैं, क्या है प्रॉपर्टीज इसकी, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए के होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉमुटेटिव कहते हैं। दूसरा, ऐसे ही एसोसिएटिव भी हो सकता है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी एसोसिएटिव होता है ये। ठीक है, नंबर 3 कि फाई इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू फाई के इक्वल होगा। आप देखो कि ये उसमें यूनियन में क्या था, ए था, अब यहाँ क्या आ गया, फाइव आ गया। फोर्थ लिखा कि ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू
ए के इक्वल होगा। फिर मैंने एक और लिखा कि चार हो गए फिफ्थ वाले कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ये हमारा क्या बन जाएगा कि ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ऑफ क्या लिख लें इसको कि ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं इसको, ठीक है। ये दूसरा वाला हमारा क्या हो गया, ऑपरेशन हो गया। एक और ऑपरेशन है वो देखो, वो क्या ऑपरेशन है, डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। कि मान लिया हमने कि इसको क्या कहते हैं ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी द सेट ऑफ दोज एलिमेंट विच आर इन ए बट नॉट इन बी, मतलब वो एलिमेंट्स का सेट जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, ठीक है। द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर इन ए बट नॉट इन बी, तो हम उसको क्या कहेंगे, ए माइनस बी पढ़ेंगे उसको, ठीक है। अच्छा, ए माइनस बी बेटा कभी भी बी माइनस ए के इक्वल नहीं होता। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, मान लो कि मैंने एक ए सेट लिया 1 2 3 और एक सेट ले लिया बी, इसमें एलिमेंट 2 3 मान लिए, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू सेट ऑफ दोज एलिमेंट विच आर इन ए बट नॉट इन बी, ठीक है। इसको अगर मैं उसमें सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो ये क्या बन जाएगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, मतलब एक्स जब ए को बिलोंग करेगा तो वो बी में नहीं होगा। इसका एक हमने वेन डायग्राम बनाया, ये आया और ये आया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जब हम आगे प्रूफ करेंगे तो वहां ये यूज होगी। ये वाला पार्ट क्या होता है, ए माइनस बी होता है, ये वाला पार्ट क्या होता है, बी माइनस ए होता है, ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी होता है, ठीक है। तो ये ए माइनस बी हुआ, इसको हमने अभी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट नहीं पढ़ाया, नहीं तो इसको कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो ये तीन मेन ऑपरेशंस हैं इन द ऑपरेशंस ऑफ द सेट्स में। उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे, और समझ में अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।